लगभग 3 और 4 साल के उम्र के बीच में मैं हॉस्टल में आया था और मेरी मदर ने मुझे हॉस्टल में छोड़ा था, और वो पहला समय था कि जब मैं रोया था एक्चुअली, और उसके बाद मुझे नहीं याद है कि मैं कब दोबारा रोया था। उत्तराखंड में पले बढ़े प्रकाश के माता पिता को सामाजिक दबाव के कारण अलग होना पड़ा, क्योंकि वो अलग अलग बैकग्राउंड के थे। इसके कारण प्रकाश की माँ को उसके बेहतर जीवन के लिए उन्हें हॉस्टल में डालना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो खालीपन होता है रिलेशनशिप को लेके, वो जरूर मेरी जिंदगी में था, और एक छोटे बच्चे की हैसियत से जिसे मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। मेरे पास बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज थी, मेरे पास बेस्ट आउटडोर एक्टिविटीज था, अच्छा स्कूलिंग था, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं एक जो अकेलापन है बचपन का, वो मेरी जिंदगी में था। जो हमारे क्लासमेट हमसे कहते थे कि आप लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी है, और हम अपने दिल में सोचते थे कि तुम लोगों की जिंदगी हमसे बेहतर है क्योंकि माँ बाप हैं। प्रकाश के शुरुआती जीवन में माता पिता की कमी के कारण उन्हें लोगों के साथ भावनात्मक रूप में जुड़ने में संघर्ष का सामना करना पड़ा। जब मैं अपने टीनेज में आया और मेरे ट्रेनिंग के बाद जब मैंने जॉब को शुरू किया, उस समय मैंने अपने आप को शट डाउन कर दिया लोगों के सामने। मैं अपने बारे में किसी से बातचीत नहीं करता था, मैं अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता था, मैं अपने स्ट्रगल्स, अपने चैलेंजेस, ये मैं किसी को नहीं बताता था। मैं अपने आप में ही रहता था और ज़्यादा मैं लोगों को अवॉइड करता था। एक आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए उस समय जो रिलेशनशिप था ये बड़ा चैलेंजिंग था। मैं किसी भी रिलेशनशिप को डेवलप करते हुए डरता था। मैं हमेशा जब लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता था, और मैं डरता था लोगों से कनेक्ट होते हुए, और मैं हमेशा परमेश्वर से इसी सवाल को पूछता था कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और मुझे याद है कि मेरे कॉलेज में काफ़ी लोग थे और हार्डली मैं 2-4 लोगों के साथ कनेक्ट होता था, लेकिन जो मेरी आउटसाइड एक्टिविटीज़ है उसमें काफ़ी चेंजेस आया। कि जैसे मैंने सिगरेट पीना शुरू किया, आई बिगिन टू ड्रिंक, और हमेशा मैं अपने आप को भूलना चाहता था, और ये मेरी लाइफ का लोवेस्ट पॉइंट था। और एक और चीज़ था कि मेरे आसपास काफ़ी लोग थे जो मेरे बारे में कंसर्न थे, जो मेरे बारे में केयर करते थे, लेकिन कभी भी मैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था अपने क्या कहना चाहिए, जो विक्टिम मेंटालिटी की वजह से। तो जब मैं लोएस्ट पॉइंट पर आया, मैंने अपने आप को और ज्यादा आइसोलेशन किया। इस दौरान जब प्रकाश टूटी हुई हालत में थे, एक दोस्त ने उन्हें एक विशेष बाइबल स्कूल में शॉर्ट टर्म कोर्स करने की सलाह दी। प्रकाश ने उनकी बात मानकर खुद को वहां नामांकित किया। जब मैं इस स्कूल में गया और परमेश्वर ने पहली बार जब मैंने बाइबल से पढ़ना शुरू किया, और पहली बार मैं रोया था उस दिन, मुझे आज भी याद है। और फिर मैं लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हुआ, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मुझे मिला। जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था वो इशाया 43 से दिया था, कि जहाँ पर वो याकूब से कहता है कि तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। और इस वचन ने मुझे एक रेवलेशन को दिया है, और उसके बाद मेरे जिंदगी में काफ़ी सारे बदलाव आने शुरू हुए। मैंने अपने आप को पहचानना शुरू किया, जो मेरा विक्टिम मेंटालिटी था उसके ऊपर काफ़ी एक्चुअली उसने मुझे एक रेवलेशन दिया कि मैं परमेश्वर को बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया, जो मेरी वीकनेस है, जो मेरी शॉर्टकमिंग्स है, उसको मैंने पहचानना शुरू किया, और इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। परमेश्वर ने प्रकाश को उनके माता पिता के साथ संबंध सुधारने में मदद की, जो उनकी मृत्यु तक बने रहे। आज प्रकाश को भी एक अच्छी पत्नी और एक प्यारी बेटी की आशीष मिली है। वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में एक व्यसन मुक्ति सलाहकार के रूप में काम करते हैं, और बहुत से युवा लोगों को व्यसनों से मुक्त करते हैं और उनकी जिंदगियों को पुनः स्थापित करते हैं।